तो गाइज आज हम लोग SYT बॉस का रियलिटी एक्सपोज करने वाले हैं। क्या बॉस ऑफिशियल अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया जिसमें कम्युनिटी गाइडलाइन था, वो एडिटेड है क्योंकि उसमें फेसबुक का यहाँ पे लिंक हुआ था, देख सकते हो स्क्रीन पे। तो क्या ये एडिटेड क्लिप है? बहुत हो गया गाइज फेक ड्रामा, अब इस बंदे का रियलिटी एक्सपोज करने का टाइम आ चुका है। चारों तरफ एक्सपोज ही एक्सपोज चल रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना एक्सपोज कर दूं बंदे को। भाई सबको एक्सपोज करता है जो, उसी को एक्सपोज करेंगे आज। एंड आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखो, सब कुछ क्लियर हो जाए। आप लोग बस इधर उधर बातें सुन सुन के मैनिपुलेट हुए जा रहे हो और आप लोगों को मतलब पता नहीं चल रहा कि सच क्या है, क्योंकि कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है। तो आप लोगों को सच जानना है तो मैं बताता हूँ कैसे आप लोगों को सच्चाई क्या है। और वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो 100% मैं बता रहा हूँ कि क्लियर हो ही जाएगा, बस देखते रहो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत देर हो गया। पहला क्वेश्चन ये है, बंदे बोल रहे तू पैनल लगा रहा है, पैनल लगा के बॉडी बॉडी मार रहा है, ऐसा क्यों? पैनल क्यों लगा रहा है तू? सबको एक्सपोज मारता है तो पैनल क्यों लगा रहा है? हाँ, इस चीज का सबसे पहले आंसर, मतलब इस चीज के पीछे तो कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। पैनल के ऊपर यूट्यूब, मतलब पैनल के बारे में यूट्यूब पर सबसे पहले वीडियो बना के मैंने बताया सबको कि पैनल क्या है, क्या चीज है, कैसे इसको बंद करवाना है। जितने फिर पैनल यूजर्स थे, मैक्सिमम यूट्यूबर को मैंने एक्सपोज करा, चाहे वो इंडिया वाले हो बाहर वाले हो। फिर कैसे डिटेक्ट करना है, लोग सर पे आने लगता है, ये वो सब सब मैंने बताया। उससे पहले पैनल के ऊपर किसी ने वीडियो नहीं बनाया, अभी मैंने जितने पैनल पे बनाए कोई नहीं बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद एट द एंड ये बंदे आके मेरे को हैकर बोल ले, मतलब ये तो वही बात हो गई कि भाई पुलिस चोर पकड़ रहा था और साला कोई दूसरा चोर आके फिर पुलिस को ही बोले कि भाई तू ही चोर है। ये तो वही मतलब हो गया। अब जो बंदा खुद है कि उस करके अपनी आईडी बैन करवाया, वो बंदा मेरे को आके बोल रहा है मैं पैनल यूज करता था। और क्लिप कौन सा दिखा रहा है? वो प्रैंक वाला, भाई बेटू के साथ जो प्रैंक करा था उससे रिलेटेड 3 वीडियो है मेरे चैनल पे, और बेटू के चैनल पे भी वो वीडियो 2 बार अपलोडेड है। कि ये सब स्क्रिप्टेड एक प्रैंक था जिससे कि हम पैनल के बारे में ज्यादा कुछ जान सके, और अभी के टाइम पे पैनल यूजर बहुत कम गए हैं, कहीं ना कहीं इन सारी चीजों की वजह से ये हुआ है। ये और बात फिर तो सही प्रैंक है, को ये लोग अलग वे में दिखा रहे हैं, मतलब क्या बोलना। अभी मतलब यूट्यूबर्स डरते हैं भाई विदाउट कि रिसर्च के दिखा रहा है ना। विदाउट रिसर्च नहीं, उनको सब पता है, समझ रहा है, लेकिन वही ये चाहते हैं कि ऑडियंस मैनिपुलेट हो। और बच्चे होते भी हैं, लेकिन कितने, 10% 20%, यही है जो ऑडियंस मैनिपुलेट होती है। बाकी जो अपनी ऑडियंस है वो तो पहले वीडियो देख रखी है, 4 लाख 5 लाख व्यूज है उन वीडियोस पे, प्रैंक वाली पे, मतलब नहीं है, नहीं है सब करके। और रही बात मेरी, मैं तो भाई हर जगह खेलता हूँ, चाहे कहीं भी देख लो खेलने का, कभी बहुत अच्छा खेलता हूँ, कभी एकदम नहीं खेल पाता हूँ। अगर पैनल यूजर होता कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होता, और हाँ गेम वगैरह मैं तो लाइव में भी खेलता हूँ भाई, लाइव में भी वैसे वन टाइम लाइव में तो इवन और अच्छा खेलता हूँ मैं, हाँ मतलब ये तो तो उल्टी चीज हो गई। ठीक है, बंदों को जवाब मिल गया होगा। सेकंड क्वेश्चन ये है, मैंने देखा दो तीन बंदे वीडियो बना रहे थे कि वो फेसबुक का वीडियो है, ऐसा करके गाइडलाइन आया, फेसबुक में आया, हाँ लिंकडइन में हाँ आया। मैंने भी देखा वो चीज। तो सुन ना, डिस्कॉर्ड में मैं लाइव कर रहा हूँ, ठीक है, जितनी बार बोले रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ मैं। एक सेकेंड ज्वाइन कर स्क्रीन, ठीक है, रुक जाए 1 सेकंड। देखिए रहा क्रोम है ना, क्रोम खोला मैं, और ये रहा, ये दिख रहा है ना यूआरएल फेसबुक का। ये मेरे को भी नहीं पता क्यों हो रहा है, ठीक है, लोग बोल रहे थे डिलीट कर दिया, इंस्पेक्ट किया वो दुनिया संसार। तो यहाँ मैं जितनी बार बोलते हो रिफ्रेश मार देता हूँ, क्योंकि रिफ्रेश मारने के बाद चीजें नहीं होती है ना, ये वही लो वही वही रिफ्रेश कर दिया, उस मेल को भी खोल दे रहा मैं, देखो ये डायरेक्ट कहाँ लेके गई, वीडियो पे। और ये हाँ जो है ये आया है, देखिए यहाँ पे, बिकॉज इट्स फर्स्ट टाइम, इट्स जस्ट अ वार्निंग, मतलब ये फर्स्ट टाइम है अच्छा इसलिए ये अच्छा वार्निंग समझा हुआ। समझा अगर दूसरी बार आता है तो डायरेक्टली एक स्ट्राइक हो जाएगा, और 1 वीक के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मतलब समझा सेकेंड समझा स्ट्राइक। समझा समझा लाइक ये हाँ, वार्निंग और टाइप का आया है, टोटली नहीं आया हाँ है ये। पहला, हाँ पहला जो होता है वो वार्निंग होता है, अब जो आएगा वो डायरेक्ट लगेगा चैनल पे, ठीक है। अच्छा तो ये समझा, एक फर्स्ट और वार्निंग हो गई। एक दो बार और रिफ्रेश कर दे बंदों को ताकि हाँ पता ले ना, लग जाए। ले ले, कर दे देख वीडियो। कितनी बार कर दिया है ना। हाँ हाँ ये ले लिंक, कुछ भी इसमें नहीं है, एडिटेड हो रहा, अगर होता रिफ्रेश के बाद कब भी नहीं खुलेगा ये, हाँ तो कुछ पता बंदे नहीं है बोल रहे थे कि यूआरएल ये फेसबुक। वो हाँ है, मेरे को भी ये एडिटेड चीज है, समझ नहीं आया, यूआरएल फेसबुक क्यों दिखा रहा है, इसमें मतलब मतलब ही नहीं है तो कुछ, बंदों को मेल किधर से खुलेगा कंफ्यूजन भी यूट्यूब हो रहा का। था कि वीआरएल फेसबुक करके क्यों आ रहा है, सही जबकि ये बात है, बंदे सही भी बात है, ये जबकि बोलो। ये वीडियो भी है यूट्यूब पे, है ना। हाँ वीडियो भी है यूट्यूब पे भाई, ये सब चीजें नहीं करता ब्रो। देख 3 स्ट्राइक का उन लोगों ने ट्राई करा, बट लगा 1 स्ट्राइक है, ठीक है, 3 स्ट्राइक मारा था। उससे पहले तेरे को तो वो वाला पता भी ही है, दिखा सिर्फ दे, वो मैंने वाला वीडियो मेल भी डिलीट दिखा दे, कर वो दी। वाला मेल भी दिखा दे, बंदों को एडिटेड लगेगा। हाँ यहाँ पे देख ले, ये फर्स्ट स्ट्राइक पड़ी मेरे को, ठीक है, ये कौन सी फर्स्ट चीज है? स्ट्राइक पागल एमटेन ने जो दिया लग है गया। स्ट्राइक, है ना। हाँ
पागल के साइड से इन लोगों का बेसिकली अभी क्या हुआ है कि देख पागल को तो भाई पूरा ही जानता है, तो उसका सीन पैनल लगाना, रिलीजन को गाली देना, ट्रिगर यूज करना, मतलब सारे कांड इस बंदे ने कर रखे हैं, ठीक है। तो इसको तो बहुत बुरे तरीके से पेल दिया, मतलब खत्म ही है बंदा। अभी क्या हुआ है कि जो सारे पुराने दुश्मन थे ना, वो मिलके एक साथ अभी, मतलब अभी ऐसे इनको पता है मैं कभी गलती कुछ करता नहीं हूँ, इनकी तरह तो हूं नहीं कि कांड पे कांड करते रहूं। तो अभी मेन ये हुआ है कि ये लोग ग्रुपिंग कर लिए हैं, यहाँ चलो साथ में मिलके ऑडियंस मैनिपुलेट करते हैं बॉस का और फिर अपनी ऑडियंस को बनाते हैं। लेकिन ये इनका एक ख्वाब, बस ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि ऑडियंस मैनिपुलेटर नहीं होने वाली, 80% नहीं होगी, और 20% जो होगी वो बाद में फिर वापस आ ही जाएगी, क्योंकि ये लोग हैं दलाल और दलालों की वैल्यू नहीं होती भाई ऑडियंस में, ठीक है। चल ठीक तो है। ये पहला स्ट्राइक रह गया, ठीक है। एंड ये दूसरा इन्होंने ट्राई करा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसका देख, भी ये भी नोटिस आया पागल के क्या? साइड से हुआ। हाँ नोटिस आया, बट यहाँ देख रहा है इट अपीयर्स इन योर सोर्स वीडियो फ्रॉम 0 to 0, क्यों? क्योंकि मैंने उसको कट कर दिया था, अरे भाई समझ रहा है, अच्छा, तो मैंने मतलब ये भी उस एक वीडियो को स्ट्राइक आ कट, जाता अगर कट स्ट्राइक नहीं आ जाता करता। अगर कट नहीं करता। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए बचने के लिए मैंने वीडियोस ही डिलीट कर दी भाई, क्यों रिस्क लेने का, चल समझ रहा ठीक है। है। फिर ये तीसरी उसकी रही, तीसरी की यहाँ पे लिंक अलग अलग है, देख ले, देख रहा है हाँ हाँ लिंक हाँ नहीं खुलती, पता नहीं क्यों, मैंने चैट कर वो खुल गई, देख। हाँ इसी पे आया था, मतलब इसी पे ट्राई करा था, बट देख लिया यहाँ पे मैंने कट कर दिया, पहले रिएक्शन था उसके कौन सा ऊपर। वीडियो था ये? रियलिटी ऑफ टिगर्स पागल पे ही था क्या? हाँ, उस समय मैंने इसके सपोर्ट में वीडियो बनाया था, जो मैंने बोला भी था कि गलती हुई मेरे से इस बंदे को सपोर्ट करके। दो गलती मैंने आज तक करी है लाइफ में यूट्यूब पे, एक तो ये और एक, और एक बंदे के ऊपर स्ट्राइक मारा था, ठीक है। तो वो भी मैं खुद ही से बता देता हूँ, बहुत पुरानी चीजें वैसे ही है, 2 2.5 साल पुरानी, इन चीजों का मतलब नहीं है, लेकिन ये लोग आगे जाके इसको भी पॉइंट बना लेंगे। तो मैं बता देता हूँ, स्ट्राइक मारा था, 3 स्ट्राइक मारा था, ये चीज तू भी जानता होगा। लेकिन फिर हाँ से मैंने खुद ही वो स्ट्राइक हटा भी दिया था। अब हटा देने के बाद पता है ना कि जैसी चैनल रहती वैसी वापस से हो जाती है, ऐसा नहीं होता कि रीच खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं, स्ट्राइक हट हाँ गई मतलब चैनल आपका पहले जैसा हो अभी गया। अभी करेंट एक एक गाइडलाइन का वार्निंग आया था, और वो एक स्ट्राइक है ना, और सेकंड चैनल पे हाँ स्ट्राइक है एक। हाँ सेकेंड चैनल पे एक स्ट्राइक, मेन चैनल पे एक स्ट्राइक, ये तो बोल ही दिया मैं। यहाँ पे देख रहा है किसने ट्राई किया, शिवा ने, समझ रहे। तो मैं बोला ना ये लोग ग्रुप बना के बैठे हैं, एंड ये वाली वीडियो जो है इस पे पता नहीं मतलब भगवान के दया से कि क्या कुछ हुआ, ये बच गई वे वीडियो। हाँ तो अब बता, तेरे को पीपी से किक क्यों किया? लात मार के भगा दिया था ऐसे कुछ बोल रहे थे बंदे। वाला सीन जो है पार्टनर प्रोग्राम वाला, ये तेरे से अच्छा कोई जानता नहीं है ना, मेरे मेरे को तो क्योंकि पता है, बंदों को भी बता दो ना थोड़ा सा। आपने अगर वीडियो देखो। बनाया है, वीडियो बना रखा है, तो बंदे रिसर्च नहीं करेंगे तो। हाँ ये चीज का स्क्रीनशॉट डाल दियो, मैंने 1 साल पहले ही डाल दिया था, YI लेफ्ट पार्टनर प्रोग्राम, तूने भी डाल रखा है, दोनों स्क्रीनशॉट यहाँ पे हाँ लगा दियो मैंने स्क्रीन मैंने तो पे। डाल रखा था, मैंने खुद से लीव किया था। यूट्यूब वो लाइव हाँ करके दिखा भी सकता है अगर अरे तेरे पास वो वीडियो है तो। वीडियो क्या है कि मैं किसी से स्क्रीनशॉट नहीं मांग लूंगा ग्रुप लिफ्ट करने का, सिंपल सी चीज है, अगर किक करता तो ग्रुप से किक करेगा ना। और हाँ जिस दिन मैं लीव किया था ना, मेरा वीवेच नहीं गया था, उससे ही पहले मैंने बता दिया कि भाई मैं लीव कर रहा हूँ पार्ट प्रोग्राम, क्यों? क्योंकि उधर बोलते थे आप इस टॉपिक पे मत बनाओ वीडियो, मैं सुसाइड वगैरह पे बनाता था उस कि टाइम पे टॉप वाई अप मत ट्रिपल फोर पे करो, भी चल रहा था ना हाँ टॉप अप मत करो, ये मत करो। और वही। फिर उसके बाद व्हाइट वाले चीज आया, तो फिर उस पर बोलते कि व्हाइट 444 पे वीडियो मत बनाओ, ये सब मत यूज करो, टाइटल में व्हाइट 444 मत यूज करो, रोक मत यूज करो, एक्सपोज मत करो। तो भाई अब इतना मेहनत से अपना चैनल ग्रो किया है, तो ऑडियंस के लिए तो सोचना पड़ेगा ना। अब वही महीने का उधर चल एक अच्छा अमाउंट देते थे, मतलब बहुत अच्छा अमाउंट देते थे, लेकिन उससे पहले क्या आता, ऑडियंस अपने लिए, पैसा सेकेंड चीज है भाई, पहले होता है ऑडियंस। तो इसलिए बस लीव करा था मैंने, तूने साथ ही में लीव करा था, हाँ ऑडियंस को नहीं पता ना, मतलब पता है सबको, लेकिन पता बंदों को नहीं पता है, वो करता है लेकिन आप बंदों को वीडियो। मैनिपुलेट हाँ करना यार। वीडियोस बना के डाले हैं, इतने सारे शॉर्ट्स बन रखे हैं। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। स्काई लॉर्ड के फैमिली के तरफ से तेरे को कोई भी कॉल आया था या मैसेज आया था जिससे वीडियो अपलोड करने के लिए हाँ बंद कर दिए हाँ गए? हाँ सुन सुन सुन, ये चीज मैं बताता हूँ, ये चीज जो वो वीडियो में बोला था, पता नहीं किस भी दिन अपलोड किया हो, तो जिस दिन मैंने एक वीडियो डाला था ना सॉरी स्काईलॉर्ड करके, शायद 13 तारीख था वो, हाँ शायद मे भी 13 तारीख ही था, मेरे को सही से याद नहीं है, ठीक है। तो हाँ उस दिन क्या हुआ, उससे एक दिन पहले मेरे को आया वो निशिकांत का मैसेज, ठीक है, व्हाट्सएप पे, कि आपसे बात वगैरह करना है। तो मैं उस समय हॉस्पिटल में था, मैं बोला कि आप मेरे को शाम को कॉल वॉल करो, उस बंदे ने कॉल वगैरह नहीं किया, ठीक है।
फिर मैं घर पे आया तो वेटू मेरे को बताया कि निशिकांत का कॉल था इस वजह से करके, एंड फैमिली से भी कॉल आया कि वीडियोस नहीं अपलोड करने। बट उस दिन जो मैं सुबह में वीडियो अपलोड किया था उसमें बोल दिया था कि स्काई के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि लोग चीजों को अलग वे में दिखा रहे हैं। और शौक भी नहीं है ना भाई, एक चीज को कितना कंटेंट बनाओगे तुम, जब उसको नीड थी लोग उसके ऊपर उल्टा पुल्टा बोल रहे थे तब मैंने वीडियो बनाई। इनकी तरह नहीं कि वीडियो बना रहे हैं उसे मैप प्रमोशन कर रहे हैं, मोनेटाइजेशन ऑन कर रहे हैं, सब्सक्राइब करने बोल रहे, इंस्टा प्रमोशन, डिस्कॉर्ड प्रमोशन, ये सब। मेरे वीडियो में कुछ नहीं था, ना टैग्स कुछ यूज थे, ना ही मैंने इंस्टा लिंक दिया, ना कुछ किया, कुछ भी प्रमोट नहीं किया, ना सब्सक्राइब करने बोला, कुछ नहीं। और सारी वीडियोस 5-6 वीडियो मिला के मेरे को 10,000 सब्सक्राइबर अप्रोक्स आए। ये कोई बड़ी चीज है बताओ मेरे को 26 लाख के चैनल पे? मतलब कुछ भी बोलते हैं, स्काई ऑडियंस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो इसलिए मैं इन सब चीजों से बाहर हूँ। और इन फ्यूचर भी अगर किसी के साथ ऐसा होता है मैं पब्लिकली कभी हेल्प नहीं और करूंगा, जैसे आज तक मैं करता आया हूँ, अब छोड़ दिया। सबसे मेन चीज तूने वो सारे वीडियोस रिमूव कर दिए, स्काईलॉर्ड के ऊपर बनाया था वो वीडियोस, जीएसपी के ऊपर हाँ, बनाया था, मैं तो वो सारी बंदे बोल रहे कि क्यों रिमूव कर दिए। मैंने एक वीडियो देखा एक बंदे का, तो वो बोल रहा है कि वीडियो अभी रिमूव कर रहा है, तो क्यों रिमूव कर रहा है अभी तो वीडियोस। देख, वीडियो रिमूव करने का एक ही चीज है कि बेफालतू की हेट देखकर किसी को पसंद नहीं है ना। तू मैं अब गलती हो तब हेट मिले उसके लिए सही है, लेकिन ये लोग चीजों को क्या कर रहे थे, मैनिपुलेट। मैं सोचा इन सब चीजों को खत्म करना है, मैं सारी वीडियोस हटा दिया, ठीक है, सारी वीडियोस अनलिस्टेड कर दी मैंने, प्राइवेट कर दी। फिर उसके बाद मैं गया इससे बात करने जीएसके से कि भाई सब कुछ सॉल्व कर ले, क्या मतलब है भाई, वो बंदा हमारे बीच नहीं है, उसको लेके तुम लड़ते जा रहे हो, मतलब एक चीज को कितना कोई घिसेगा, है ना हाँ भाई। 7-8 वीडियोस बना लिए इन लोगों ने, सीरीज बना दी, तो उस चीज के लिए मैं गया भाई, बंदे को सॉल्व ही नहीं करना है ये चीज, तो तू जानता है, तूने ही बात करवाई थी मेरी जीएसके से, उसको सॉल्व ही नहीं करना है भाई, खत्म ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसको तो व्यूज आ रहे हैं ना भाई बॉस के नाम पे और लोगों को मैनिपुलेट करके। लेकिन कब तक बता, कब तक? 1 महीने तक व्यूज ले लेगा, उसके बाद क्या करेगा? बात भी है। मैं इन सब सीन से अलग हूँ भाई, मेरे को कुछ भी स्काई से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड मैं नहीं, अब आगे से हेल्प वगैरह या कुछ भी करना नहीं होगा भाई, अपना कंटेंट देखूंगा बाकियों की तरह, बात खत्म। तो लास्ट क्वेश्चन है, कुछ बंदे बोल रहे थे कि स्काई वाले वीडियोस पे तूने मोनेटाइज ऑन कर रखा है, वैसा कुछ बोल रहे हाँ थे, तो तू क्या सुन, लाइव करके दिखा सकता तो है हाँ ऑडियंस को? मैं लाइव ही कर देता हूँ, सही बोल रहा है, देखा हो ही नहीं सकता कोई भी। चल, ये सारी वीडियोस है, ठीक है, हाँ तीन, ये चार, है ना। चल, कौन ये सा? पहला वीडियो हाँ पहला वीडियो। लाका गेमिंग वाला रिवेन्यू, ओ भाई भाई सॉरी भाई, 1 रुपए कमा लिया वीडियो से यार, बहुत पैसे कैसे हो गए, ये कैसे हो गए? 1 रुपए। अरे वो एक बार वो होता है ना, एक साथ एडिशन ऑन कर रहे हो तो हो जाता है ऑन, तो वही हाँ चीज हुआ था स्टार्ट। अब 1 रुपए कमाना मतलब कुछ समझा, क्या बोलेंगे चल इसको, ठीक पैसा है कमाना बोलते हैं ये? इससे भी 0. कितने, 26 भाई, 26 पैसे कमाया हूँ मैं इस वीडियो से, बहुत ज्यादा कमा लिया, सॉरी हाँ भाई। एंड इस वीडियो से 2 रुपए कमाया, ठीक है, कितने हुए भाई, है 2 रुपए, 3 रुपए, हाँ 3.5 रुपए, हाँ 3.5 रुपए मान ले। और 3.5 रुपये। इस ये रहा, हाँ ये वाली वीडियो रही ये तो है रिवेन्यू, नहीं। इसका तो 0 ही, हाँ मतलब 3.5 रुपए कमाया हूँ मैं, बहुत कमा लिया भाई, सॉरी, हाँ चल ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा अंधा पैसा, मतलब टोटल 4 3.5 रुपये कमा लिए तुमने 4 वीडियोस में। हाँ सॉरी भाई, माफी मांगना चाहूंगा मैं इसके लिए ऑडियंस से और एक कि और मैं चीज मैं साढ़े बोलना तीन रुपए चाहूंगा कमा पूछना लिया, था काफी है। एक और चीज मेरे को पूछना था कि तूने मतलब जीएसके को वो बोला, फैमिली के ऊपर बोला, तो उसका तुझे मतलब दुख है कि मतलब तूने ऐसे वैसे बोल दिया, और मतलब तूने दुख क्यों बोला ये भी बता दे। देख, क्या होता है, उसने जब पहली वीडियो बनाई मेरे ऊपर, ठीक है, हाँ कि स्काईलॉर्ड यूट्यूब ऐसा ऐसा करके, उस वीडियो में वो स्काई को लेके मेरे को बोला था, ठीक है, नो दिक्कत, बनाओ मेरे को एक्सपोज करो, दिक्कत नहीं उसके लिए। उसमें वो क्या बोल रहा है कि इसके पापा को आके एक्सपोज कर दिया, माँ पे बहन पे गाली दे रहा है, और मैं कभी भी, तेरे को पता है मैं गाली सुनता नहीं हूँ, कोई गाली देता है तो मैं रिप्लाई में हमेशा गाली में ही देता हूँ, उससे अच्छी गाली देता हूँ, ठीक है, सीधी बात यही है भाई, मैं एक्सपोज किसी को करता हूँ बिना गाली के करता हूँ, लेकिन रिप्लाई में अगर तुम मेरे को गाली दोगे तो भाई माँ और बहन मैं एक कर देता हूँ सामने वाले की, मतलब फाड़ देता हूँ पकड़ के। तो गाली अगर मेरे से वो कर रहे हो, कंट्रोवर्सी कर रहे हो बिना गाली की करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो फिर मैं अगर गाली स्टार्ट करता हूँ तो फिर समझ लो भाई 420 की स्पीड से बुलेट लेके अंदर घुस जाता हूँ, सीधी बात।
समझा समझा, मतलब गाली पहले उन्होंने दिया है ना? हाँ गाली गाली पहले उसने दिया, उसके बाद मैंने दिया, ठीक है। और गाली वो सुनता नहीं बात हूँ भी मैं बता सीधे। देना हाँ कि वो जो तूने उसके फैमिली के ऊपर और प्राइवेट लाइफ के ऊपर बोला, तो उसके उसका क्या तो सीन है, वो वो चीज चीज बोला बोला वो मैं उसके उसके बाद। बाद? देख तूने क्या बोला था, सब कुछ सॉर्ट कर लीजिए इसके से, याद है तेरे को कि वो सॉर्ट हाँ कर हाँ रहा है सब कुछ। फिर मैं सामने से खुद गया कि यार कोई मतलब है इन सब चीजों का करके, कंट्रोवर्सी करके, जो बंदा हमारे बीच नहीं है उसको लेके तुम कंट्रोवर्सी कर रहे हो, ये कर रहे हो, मत करो भाई, खत्म कर देते हैं सब कुछ, साथ में करते हैं जो करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं यार अंदर से एक था मेरे अंदर कि मैंने बोल दिया, गलती किया, इतना नहीं बोलना चाहिए था फैमिली वगैरह पे। लेकिन फिर उसके बाद वो बंदा क्या कर रहा, उससे भी कंटेंट निकाल लिया भाई, डाला बॉस ऑफिशियल कॉल रिकॉर्डिंग लीक्ड। अबे इसमें क्या है भाई, कॉल रिकॉर्डिंग में तुमसे बात करने गया, उससे तुम कंटेंट बना रहे।